हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भावना जायसवाल रेसिपी। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रिंक लेकर आई हूँ, जो है गन्ने का जूस। समझ गए ना आप, कहोगे वाह गन्ने का जूस, और वो भी घर में। बिल्कुल आपने सही सुना, मैं आज आपको गन्ने का जूस घर में निकालना बताऊंगी, वो भी बिना गन्ने का। तो चलिए झटपट किचन में, और ये हम बनाते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक बनाने के लिए आपके घर में जो भी सामग्री इंग्रेडिएंट्स हैं, उन सभी का ही यूज़ करेंगे हम। तो बहुत ही हेल्दी ये रेसिपी है, ड्रिंक है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर पुदीना लिया है, तो आप देखेंगे फ्रेश पुदीना आप ले लें, कम से कम 20-25 पत्तियाँ हैं। तो इसको अच्छी तरह वॉश करने के बाद, या तो आप किसी बर्तन में डाल के इसको अच्छी तरह से कूट लें, और इसका जो होता है रस उसे निकालना है, या तो मिक्सी में आप ग्राइंड कर लें। तो मैं यहाँ पर मिक्सी जार में डालकर और इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। सभी के घर में मिक्सी रहता है, तो इसे इस तरह डालकर और हम ग्राइंड कर लेते हैं। एक बोल ले लेते हैं, और बोल के अंदर हम 2 ग्लास पानी डाल देते हैं। आप मेज़रमेंट से बनाएं तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो 2 ग्लास आप पानी इसके अंदर डाल दें। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये मेरे पास गुड़ है, जिसे आपको दिख रहा होगा कि मैंने ग्रेट कर लिया है। तो अगर आपके पास भूरा वाला गुड़ हो तो वो बहुत ही अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का आप गुड़ लें। और भूरा गुड़ नहीं हो तो आपके पास जो साबुत गुड़ होता है उसको आप ग्रेट कर लें, वही मैंने किया। तो इसको हम इस पानी के अंदर डालेंगे और इसे मिक्स कर लेते हैं इसके अंदर बिल्कुल अच्छी तरह से। इस तरह ये घुल जाएगा, और साथ में इसके हमने वहीं पर ये हमने पुदीना जो पीसा था वो इसके अंदर डाल देते हैं, और इसे भी इसी के अंदर हम घुल लेते हैं अच्छी तरह। ये घुलता जाएगा, आप 2-3 बार इसे चला लें तो ये गुड़ और पुदीना अच्छी तरह घुल जाएंगे। अब साथ में यहीं पर हम कुछ मसाले को भी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम जीरा पाउडर लिए हैं 1/2 चम्मच, सफ़ेद नमक 1/2 से भी कम लिया है हमने, और ये काला नमक है इसे भी 1/2 से भी कम लिया है। तो इन सबको डालकर और इसे हम घोल लेते हैं। ये ड्रिंक बहुत ही अच्छा होता है, हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा है, क्योंकि पुदीना जो होता है वो आपके स्किन के लिए और डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत ही परफेक्ट है। और साथ में यहाँ पर अब हम थोड़ा सा इसके अंदर सबसे लास्ट में है वो नींबू है, उसे भी इसके अंदर डाल देते हैं। इन सबको एक साथ आप सब डाल लें और इसके अंदर टर्न कर लें, अच्छी तरह से स्टर कर लें। और गुड़ है जो आपको सभी को पता है कि इसके अंदर आयरन रहता है, वो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करता है। तो सभी को ये जो ड्रिंक बना रहे हैं, अगर आप एक बार टेस्ट करेंगे तो गन्ने का शरबत जो होता, गन्ने का जूस होता, वो आप पीना भूल जाएंगे। तो ये आप देखेंगे कि मैंने पूरी अच्छी तरह से इसको घोल दिया। आप देखेंगे गुड़ भी बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा है इसके अंदर, थोड़े बहुत पार्ट्स हैं। तो उसके 1 मिनट के लिए हम स्टर कर लेते हैं, जिससे कि नीचे अगर गुड़ है तो वो भी अच्छी तरह से घुल जाए। बहुत अच्छी तरह से ये घुल गया है। तो यहीं पर अब हम सबसे लास्ट में यहाँ पर चाट मसाला मिक्स कर देते हैं। 1/2 स्पून के करीब चाट मसाला लिया है। आप सारे मसाले अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट ले सकते हैं। और इन सबको मिक्स करने के बाद अब सबसे लास्ट प्रोसीजर ये है कि इसे हम छान लेंगे। इसे अब हम छान लेते हैं सारे, इसे बिल्कुल अच्छी तरह से हम छान लेते कि इसके अंदर जो कुछ भी अगर रह गया हो इसके अंदर, तो उसे वो छन्नी से छन जाएगा सारे। आप देखेंगे कि इसके अंदर इतने सारे जो हमने डाला था इसमें पत्तियाँ, वो सारे हैं ना दिख रहे हैं आपको। तो इसे हम अलग निकाल लेते हैं और वापस एक बार स्टर कर लेते हैं। आप देखेंगे बिल्कुल अच्छी तरह से इसमें से पुदीने के पत्ती निकल गए हैं। तो इसे अब हम सर्व करते हैं, बिल्कुल रेडी हो गया है आपका ड्रिंक। तो इसे अब हम ग्लास में सर्व करते हैं। ड्रिंक बिल्कुल मेरा रेडी हो गया है। आप देखेंगे ये किस तरह की आपको टेक्सचर ये जो मिला है, आप देखकर बताएं कि आपको क्या चीज़ की याद दिला रही है। बिल्कुल गन्ने का जूस, आपको बताऊं विदाउट गन्ने आप गन्ने का जूस का मज़ा ले सकते हैं, और इसका टेस्ट भी बिल्कुल परफेक्ट उसी तरह है। तो इसे सर्व कर लेते हैं। उसके लिए एक ग्लास ले लें, हमने एक ग्लास को फ्रीजर में रखा था।
आप देखेंगे बिल्कुल चिल्ड है ये। और यहीं पर हम इसके अंदर कुछ आइस के क्यूब्स डाल देते हैं और साथ में ये जो बनाया है रस वो इसके अंदर डालते हैं। आप हाफ ये डालें और थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड कर लें। बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गया है। और बिल्कुल ये परफेक्ट हो गया है आपका ये ड्रिंक। तो है ना मजेदार, ये आपको अच्छा लग रहा है ना ये बिल्कुल। तो ये आप ड्रिंक बिल्कुल ट्राई करें, आप रियली मानोगे नहीं कि ऐसा लगेगा आपको इसका टेस्ट कि हम गन्ने का रस पी रहे हैं। लॉकडाउन के समय हम कहीं नहीं जा पा रहे बाहर, तो आप इस ड्रिंक को बनाएंगे तो आपको बिल्कुल वही याद आएगी कि हम गन्ने का जूस खा रहे हैं। तो होप आपको मेरी ये बनाई हुई ड्रिंक जरूर पसंद आएगी। पसंद आएगी तो लाइक करना ना भूले, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप नए नए रेसिपीज इसी तरह मेरी देखते रहें। टिल देन गुड बाय एंड हैव ए हैप्पी कुकिंग। बाय।